नमस्कार दोस्तों, स्टडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्पेस एक्स की सफलता के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री नासा एस्ट्रोनॉट्स हैव एंटर्ड द स्पेस स्टेशन फ्रॉम अ कमर्शियल मेड स्पेस क्राफ्ट। एस्ट्रोनॉट बेन केन एंड एस्ट्रो डव हैव फाइनली अराइव टू द ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी इन स्पेस एक्स ड्रैगन एंडेवर स्पेस क्राफ्ट। मतलब ये है कि अब तक की मानव इतिहास में पहली कमर्शियल मेड स्पेस क्राफ्ट है, जिससे अमेरिका के दो अंतरिक्ष यात्री बेन केन और हार्ले स्पेस स्टेशन पहुँचे। ये स्पेस एक्स कंपनी का स्पेस क्राफ्ट था। यह कंपनी एलन मस्क की है। एलन मस्क आज बहुत खुश होंगे, यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप नासा की साइट पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं नासा भी इसे सेलिब्रेट कर रहा है। और यहाँ पर ये द वाशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है, जिसमें लिखा है स्पेस एक्स फाउंडर एलन मस्क जंप्स फॉर जॉय। फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें ये कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। दो एस्ट्रोनॉट्स में से ये हैं बॉब बेन केन जो 49 वर्ष के हैं, और ये हैं डव हार्ले जो 53 वर्षीय हैं। यहाँ आपको ज़्यादा साफ दिखाई देगा। मैं आपको उड़ान के बारे में बता दूं कि यह उड़ान शनिवार 30 मई को दोपहर लगभग 3 बजे फॉल्कन 9 के जरिए लगभग 19 घंटों में 31 मई को सुबह 10:16 पर स्पेस स्टेशन पहुँच गया। इसे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया था, जहां से 50 साल पहले अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा गया था। इस मिशन का महत्व स्पेस एक्स और नासा के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 21 जुलाई 2011 के बाद से पहली बार अमेरिकी धरती से कोई मानव मिशन स्पेस में गया, नहीं तो अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। एलन मस्क के बारे में बता दूं कि एलन मस्क का पूरा नाम एलन रेव मस्क है। ये इंजीनियर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, डिज़ाइनर हैं और टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर हैं। एलन मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे, लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई कनाडा और अमेरिका में की। ये टेस्ला के प्रोडक्शन आर्किटेक्ट हैं। टेस्ला एक कार बनाने वाली कंपनी है। स्पेस एक्स की नींव मस्क ने 2002 में रखी थी। एलन मस्क हाइपर लूप पर भी काम कर रहे हैं। आपको मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बता देता हूं कि यह एक कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित है। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब है कि लगभग 400 से 450 किलोमीटर दूर पृथ्वी से स्थित होना। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज हैं, जिसमें नासा है, रॉसकॉस्मोस है जो रूस का है, जाक्सा है जो जापान का है, और ESA है जो यूरोप का है, और CSA भी है जो कनाडा का है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिसर्च करता है अंतरिक्ष में। कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोबायोलॉजी पर, एस्ट्रोनॉमी पर, फिजिक्स पर और अदर फील्ड्स पर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कई देश भागीदार हैं। यहाँ कई लैब है, जैसे कोलंबस लैब है, कीवो लैब है, वेरियस लैब है। यहाँ आप देखिए लिस्ट लगी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कई सारी चीज़ें हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस में। 2019 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 239 एस्ट्रोनॉट्स, कॉस्मोनॉट्स और स्पेस टूरिस्ट भेजे जा चुके हैं। ये 20 अलग अलग देशों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजे गए, जिसमें सबसे ज़्यादा 151 US से भेजे गए हैं, रसिया से 47, 8 कैनेडा से और वेरियस कंट्री से भी भेजे गए हैं। तो ये था पूरा एनालिसिस इस वीडियो का। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।